नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोशन है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शोल्डर ब्लेड के पेन के बारे में। ये बहुत ही कॉमन पेन होता है, पेन एरिया है, जो बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे लोगों को फील होता है, लेकिन वो परेशान रहते हैं और ना कुछ बता पाते हैं डॉक्टर को ठीक से, और ना ही उनका प्रॉब्लम यहाँ पे से पेन सबसाइड हो पाता है। और कभी आता है कभी जाता है इस टाइप का पेन, डेली एक्टिविटी में अचानक कुछ वर्क कर रहे हैं तो अचानक से शुरू हो जाता है इस एरिया में पेन। तो इस पेन को कहते हैं शोल्डर ब्लेड पेन। ये आपके स्कैपुला, इस हड्डी को स्कैपुला कहते हैं। इस स्कैपुला हड्डी के साइड में यहाँ पे पेन होता है। तो इस पेन को आप कैसे सबसाइड कर सकते हैं विद इन अ मिनट, आप एक मिनट पे, और डेली कुछ ऐसी एक्टिविटी है, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस है, जिससे आप इसको परमानेंट ही सबसाइड कर सकते हैं, अगर आप इस स्ट्रेचिंग को और एक्सरसाइज को रेगुलर हैबिट में रखें तो। पहली स्ट्रेचिंग है, आप अपने इस हाथ को ऊपर रख के और दूसरे हाथ से प्रेस करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप से। आगे से देखने के लिए आप मुझे देख सकते हैं, कंधे पे हाथ रखें और पीछे की तरफ अपोजिट प्रेस करें। जिस ब्लेड में पेन है, जिस साइड में पेन है, उस साइड के हाथ को दूसरी तरफ रखें इस टाइप से, और दूसरे हाथ से प्रेस करना है। मान लीजिए मेरे लेफ्ट साइड में पेन है, तो मैं राइट साइड से अपोजिट की तरफ स्ट्रेच करूंगा। ये स्ट्रेच बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं। या तो आप अपने एल्बो से एल्बो को स्ट्रेच कीजिए, या फिर एल्बो को इस टाइप से शोल्डर को पकड़ के बिल्कुल ही स्ट्रेच कीजिए, मोड़िए। ये और ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और कुछ लोग कंधों पे हाथ रख के इस टाइप से करते हैं, यहाँ एल्बो पे हैंड रख के, पर मेन मोटिव हमारा इस पोर्शन को स्ट्रेच करना। सेकेंड स्ट्रेचिंग है, आप अपने हाथ को सर के पीछे रखें और दूसरे हाथ से यहाँ पे लें और पीछे साइड की तरफ स्ट्रेच करें, जिससे शोल्डर ब्लेड आपके स्ट्रेच होंगे। यानी इस टाइप से आप हाथ हटाइए थोड़ा सा, ये इस टाइप से ये स्ट्रेच। थर्ड स्ट्रेचिंग शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, अपने हेड को अपने निप्पल के पास, इस हेड को निप्पल के पास, जिस साइड में पेन हो रहा है उसके अपोजिट साइड, चिन को टच करने की कोशिश करना है और हाथ को आगे से इस टाइप की पोजीशन मेंटेन करना है, जैसा कि आप देख पाएंगे अभी इस वीडियो में, इस टाइप से, और स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ। और जिस साइड में पेन है उस हाथ को पीछे जितना हो सके ऊपर बैक तक ले जाने की कोशिश करना है, जिससे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया स्ट्रेच होता है और यहाँ पर आपका पेन डिक्रीज हो जाता है। इन स्ट्रेचिंग के बाद आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक्सरसाइजेस को, कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपके लिए हेल्पफुल है शोल्डर ब्लेड के पेन के लिए। तो इन एक्सरसाइजेस को आप रेगुलर 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।